जनवरी का आज के इस प्रजासत्ताक दिन के मौके के ऊपर मैं देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जरांगे पटेल के बारे में देखिए, मराठा समाज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। एक छोटे से गांव का एक मामूली सा आदमी, उसकी जो लगन थी, उसकी जो मेहनत थी, इतने सालों से जो लगातार मेहनत कर रहा था, ये कहते हैं ना कि ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, कमिटमेंट, मुझे ये काम करना है, मेरे समाज के लिए है तो इसके पीछे लगना है करके, उसका एक परफेक्ट उदाहरण अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से जरांगे पाटिल है। आज लाखों की संख्या के अंदर वो इतनी बड़ी फौज लेकर है तो मुंबई की तरफ बढ़ रहा है। एक संदेश गया है देश के अंदर कि लोग हैं तो नेताओं के ऊपर, राजनीतिक पार्टियों के ऊपर अब भरोसा करना छोड़ दिए हैं। एक आम आदमी को कैसा, एक ही रात के अंदर कैसा हीरो बना सकते हैं, वो इसलिए बना सकते हैं कि उसकी ईमानदारी और उसका जो कमिटमेंट था कि मेरे समाज को ये रिजर्वेशन मिलना चाहिए करके। वरना आज मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी समेत पूरे भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के नेता भी अगर आ गए तो इतनी बड़ी भीड़ वो अकेले इकट्ठा नहीं कर सकते हैं जितना एक छोटे से गांव का एक आम आदमी ने इकट्ठा किया है। इसका नतीजा क्या होगा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जरांगे पाटिल ने ये दिखा दिया है कि अगर तुम ईमानदारी से किसी एक ध्येय के पीछे, एक लक्ष्य के पीछे अगर पढ़ते हैं तो पूरा समाज तुम्हारे साथ ताकत के साथ खड़े रह सकता है करके। उसमें मुझे जहाँ तक मालूम है कि सरकार कहीं पर भी ऐसा कोई संदेश नहीं दे रही है कि मराठाओं को वो रिजर्वेशन देंगे, वरना आज भी यही बात कर रहे हैं कि हमें जाकर चर्चा करना है। क्या चर्चा करना है आपको? इतने साल उन्होंने दिए हैं, इतने साल के बावजूद भी अगर आप कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, आपको देना है तो बोलिए दे रहे हैं, नहीं देना है तो बोलिए नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि महीना डेढ़ महीने के अंदर आचार संहिता लगने वाली है तो फिर चर्चा करेंगे, फिर टाइम मांगेंगे और फिर ये कहेंगे कि देखिए अब तो आचार संहिता है, हम कोई फैसला नहीं ले सकते है करके। उसमें ये उसकी जो भी लड़ाई है, हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने पूरी ताकत के साथ खड़े रहे। हमें अफसोस इस बात का है कि अगर हमारे समाज के अंदर भी अगर लोग अपने राजनीतिक मतभेद, अपने आपस के इख्तलाफात को भूलकर अगर हम भी एक साथ मिलकर आए तो हमारी कई सारी मांगों को हम पूरा कर सकते हैं। कितने अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दिन दहाड़े आपको चुन चुन कर मारने की धमकियां दी जाती है और मुंबई के बड़े बड़े नेता खामोश बैठ जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि क्या सिर्फ इलेक्शन के हद तक है तो आप अपनी कौम के बारे में सोचेंगे? इलेक्शन के बाद आप उन्हें भूल जाएंगे, उन्हें मरने के लिए छोड़ देंगे? तो एक जरांगे पाटिल से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से, दूसरे सब तमाम समाज के लिए और मुसलमानों को भी सोचने की ज़रूरत है। पालक मंत्री ने जो आज बयान दिया है जिले के तरक्याती कामों को लेकर, देखिए पालक मंत्री साहब ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाई है कि हमने क्या क्या काम किए हैं करके, लेकिन पालक मंत्री साहब ने ये भी बताना चाहिए था कि इस ज़िले के अंदर 60,000 लोग जो अपने घर का इंतज़ार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना का, जो 2016 से फॉर्म भरकर एक सपना दिखाए थे मोदी जी ने कि 2022 मार्च तक इस देश के अंदर हर बेघर को घर मिलेगा करके, पक्की छत मिलेगी, घर में नल रहेगा, नल में जल रहेगा, ये उनके भाषण थे। ना घर मिला, ना नल मिला, ना जल मिला। दूसरा ये है कि इसी मराठवाड़ा के अंदर, देश का एक छोटा सा हिस्सा है मराठवाड़ा, वहाँ पे महज एक साल के अंदर 1100 किसानों ने आत्महत्या की है, ये एक सच्चाई है। 3300 जिला परिषद के ऐसे स्कूल्स के क्लासरूम्स है, 3300 जहाँ आज भी बच्चे टीन की शेड के नीचे है तो तालीम हासिल कर रहे हैं। क्यों? आपने हजारों करोड़ रुपया एमपी के लिए, खुद अच्छा बैठने के लिए नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना दिए, ये 3300 क्लासरूम के अंदर पढ़ने वाले बच्चे जो है वो सिर्फ गरीब के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, तो उनको क्या अच्छा बैठने का अधिकार नहीं है? उनको अच्छी तालीम हासिल करने का अधिकार नहीं है? तो ये मुद्दों के बारे में भी अगर वो बात करते तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होता, और ये भी बेहतर होता कि आप आके हैं तो पिछले 2 साल पहले यहाँ पे आके खूब नाटक और नौटंकी करके गए थे, आपके बड़े बड़े मंत्रियों ने है तो हंडा लेकर डांस करे थे यहाँ पर।
अभी भी पानी नहीं मिला है डेली का उसके अंदर, तो उसके बारे में भी अगर चर्चा कर लेते थे तो ज़्यादा बेहतर रहता। सर आपने मीरा रोड के लिए ट्वीट किया था, देखिए मीरा रोड के ताल्लुक से हमने महाराष्ट्र के डीजी रश्मि शुक्ला मैडम से बात की थी और उनको ये आगाह बताया, उनको ये बताया था कि किस तरह की वहाँ पे भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, कि अगर इस देश के अंदर अगर कानून मेरे लिए जो है वही कानून भारतीय जनता पार्टी का हो, शिवसेना का हो या किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, देश के अंदर कानून सबके लिए बराबर है इसमें। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि मुझे 5 मिनट दे दो, कोई ये कह रहा है कि हम चुन चुन कर बदला लेंगे करके, अगर कोई हम ये देख रहे हैं वीडियो के अंदर कि जो तोड़फोड़ की जा रही है वहाँ पर पुलिस मौजूद है उसमें, तो आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर अलग अलग कानून है? क्या आप एक समुदाय को सिर्फ निशाना बनाना चाह रहे हैं? तो ये इसकी निंदा करते हैं और हमने डीजी मैडम को ये साफ कहा है कि आप इंसाफ करिए, आप पूरा वीडियोस देखिएगा, हम किसी के भी ये नहीं कह रहे हैं कि इनको आप प्रोटेक्ट करिएगा, जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन पुलिस वहाँ पर अगर अपनी आंखों के सामने देख रही है कि वहाँ पर किस तरह से ये लौंडे वहाँ पर तोड़फोड़ कर रहे हैं इसमें, तो कानून कहाँ गया है इसमें? क्या यहाँ पर गुंडा राज चल रहा है? क्या वहाँ पर, यहाँ पर सिर्फ दहशत का और डंडे का राज चल रहा है? क्या यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं रही है? क्या यहाँ पर कोई कानून का डर नहीं रहा है, कोई कानून का खौफ नहीं रहा है? क्या वो गुंडों के साथ ये पुलिस वाले भी गुंडागिरी कर रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए। इस बारे में हमने उनको डीजी मैडम को साफ कहा है। हमने हमेशा ये कहा है कि देखिए जब जो समाज के अंदर जहाँ पर भी लोगों को एक सहारे की ज़रूरत है वो सहारा मिलना चाहिए। हम तो इस बात की भी ये करते हैं कि जरांगे पाटिल का जो आंदोलन चल रहा है, आज हमें खुशी होती है कि एक भाईचारगी का संदेश जो दिया गया है, चाहे वो अहमदनगर के अंदर जब उसे मदरसे के अंदर रुकाया गया, तो आपने एक पैगाम दिया है कि हम आपकी इस लड़ाई के अंदर हम साथ में है करके। और हम उम्मीद करते हैं, हमने पहले भी यही कहा था कि मराठाओं को हम अपना बड़ा भाई समझते हैं, तुम्हारी लड़ाई में हम शामिल हैं, कल तुम जीत जाओगे तो जब हम हमारी लड़ाई के लिए मैदान में उतरोगे तो हमारी उम्मीद यही रहेगी कि तुम भी हमारा साथ वैसा ही दोगे। 30 तारीख को आपका भी आंदोलन है औरंगाबाद में जी। देखिए ये जो जितने भी घोटाले हो रहे हैं, चाहे वो बैंक का घोटाला हो, चाहे पद संस्थाओं का घोटाला है, हर 8 दिन के बाद एक नया पद संस्था डूब जाती है, सवों से करोड़ रुपये लोग लेकर है तो गायब हो जाते हैं, और ऐसा कोई कानून नहीं है कि वो बेचारे गरीब डिपॉजिटर्स का वो पैसा कैसा दिया जाए करके उसमें। तो ये सभी लोग आते हैं और सभी लोगों की उम्मीद है कि नहीं आप हमारे खासदार हैं, हमारे लिए आप आवाज़ उठाइएगा करके। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि इस शहर के अंदर, इस ज़िले के अंदर 6 मंत्री हैं। पूरे महाराष्ट्र के अंदर कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पर 6 मंत्री है, जिसके अंदर 2 केंद्र के मंत्री है और 4 है तो राज्य के मंत्री ही है। इतने मंत्री होने के बावजूद भी अगर ये लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो वो नाइंसाफ़ी हम नहीं देख सकते हैं, इसलिए हमने रास्ते पर उतरने का फैसला किया है। जितनी भी पद संस्था, जितने भी बैंक्स के डिपॉजिटर्स हैं, ये सभी लोग आए और उन्होंने कहा कि साहब ये लड़ाई हम आपके साथ लड़ने के लिए तैयार है, आप इसका नेतृत्व करें। मैंने उनसे कहा कि आप आइए, हम 30 तारीख के दिन एक भव्य आंदोलन डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने करने वाले हैं। जिन जिन का पैसा डूबा है ये समझ लो कि तुम्हें रास्ते के ऊपर उतरेंगे, ये लड़ाई अगर रास्ते के ऊपर लेकर आएंगे तो ही तुम्हारा पैसा मिलेगा, वरना ये पैसा ये डाकुआ लेकर फरार हो चुके हैं। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।